सोमवार को भीलवाड़ा के रहने वाले दो युवकों को अपने मोबाइल से सेल्फी खींचना भारी पड़ गया। हालांकि सेल्फी खींचने के जुनून में कई लोगों की जानें देश भर में जा चुकी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन वीडियोस और उन घटनाओं को जानने के बाद भी लोग कोई तब्दीली नहीं कर रहे, और जब भी वह किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने के जुनून में वह अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। जी हां, ऐसे ही एक वीडियो सोमवार को भीलवाड़ा के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट मैनाल से सामने आया, जहां पर भीलवाड़ा के रहने वाले दो युवक, जिनमें से एक की उम्र 26 वर्ष और एक की 17 वर्ष बताई गई, दोनों मैनाल पर पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल से सेल्फी क्लिक करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे सेल्फी क्लिक करने का लालच इतना बढ़ गया कि वह तेज बहती हुई नदी के बीच में चले गए। हालांकि वहां पर प्रशासन द्वारा लगाए गए चेन को उन्होंने पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी का बहाव एकदम से बढ़ गया और उनमें से एक के हाथ से चेन छूट गई और वह बहता हुआ सीधा 150 फीट नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि पूरे देश से जब इस तरीके के दिल दहलाने वाले वीडियो सामने आते हैं, उसके बावजूद भी लगातार लोग बाग एक ही तरह की गलतियां सेल्फी खींचने के जुनून में करते जा रहे हैं। अब लोगों को इन वीडियो और इन घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है और अपनी जान की परवाह करते हुए पिकनिक मनाएं और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें।